हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लिटिल टेरेस गार्डन। और मैं आपकी गार्डनर दोस्त किरण। फ्रेंड्स, देख रहे हैं पॉर्चुला के मॉर्निंग में फूल खिलना स्टार्ट हो गए हैं। और आइए हम बात करते हैं बेहद खूबसूरत प्लांट की। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा खूबसूरत प्लांट है। फ्रेंड्स, इसका नाम है सफारी फाइकस। देख रहे हैं कितना खूबसूरत की लीव्स, देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं। फ्रेंड्स, अभी ये छोटा है और मैंने इसको छोटे ही पॉट में एडजस्ट भी कर रखा है। और फ्रेंड्स, ये बड़ा हो जाता है, काफ़ी हाइट ले लेता है और बुशी भी बहुत हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर इसकी हम कटिंग करते रहे तो ये बुशी हो जाता है, और कटिंग ना करें इसको बड़े पॉट में कर दें तो ये काफ़ी हद तक हाइट ले लेता है, 4-5 फीट। और बेहद खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड्स। और इस प्लांट को भी हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड्स, बट ये इजी ग्रो नहीं होता है। इसको हम रूटीन जो रूट हॉर्मोन्स आता है, हॉर्मोन्स में इसकी स्टेम को लगा करके लगाएंगे तो ये हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी कटिंग लगानी हो तो रूटीन हॉर्मोन्स ज़रूर लगाएं। बाकी पौधों की तरह आसानी से नहीं लगने वाला पौधा है फ्रेंड्स ये। और ये फ्रेंड्स इंडोर प्लांट है, हम इसको इंडोर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप इसको टेरेस पे रख रहे हैं या किसी ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पे इनडायरेक्टली सनलाइट इसको मिलती रहे, मॉर्निंग की इवनिंग की थोड़ी बहुत सनलाइट इसे मिलती रहे। और फ्रेंड्स, जिस स्पॉट में इसको रखें उसका ड्रेनेज ऑयल गुड होना चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए इसकी। और फ्रेंड्स, फ़िलहाल तो मैंने इसको वेल्ड्रन सॉइल है, गोबर की खाद है, नीम खली है, जिसमें मैंने इसको मिक्सचर करके लगा दिया है। बट इसको महीने में एक बार DAP के 2-3 दाने आप डाल सकते हैं इसमें, इसके पत्ते भी शाइन करेंगे और इसकी ग्रोथ भी ठीक ठाक होती रहेगी। फ्रेंड्स, ये स्लो ग्रोथ वाला पौधा है, खूबसूरती से बढ़ता रहता है आराम से। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और फ्रेंड्स, ये पॉट मैंने ही बनाया है, देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको पहले भी दिखाया था मैंने एक पॉट, वैसे ये भी है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये पॉट पसंद आ रहा है तो नेट पे आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो इस तरीके का पॉट बनाना आपको बता सकती हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो और ये प्लांट अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलना। फिर किसी अच्छी जानकारी के साथ मैं आपको फिर मिलती हूँ। बाय।